हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटीआई पास होल्डर्स के लिए नई वैकेंसी निकल कर आ रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की ओर से। यहां पे टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को डिटेल बताऊंगा कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, फॉर्म कैसे भरना है, सारा डिटेल बताऊँगा। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिए। देन आप लोग पेज को नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा और यहाँ पे ITI सरकारी नौकरी के सेक्शन से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट आएगा टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ जाइएगा और चैनल में पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। गाइज, यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, और ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये चेन्नई में स्थित है ये डिपार्टमेंट, ठीक है, ये संस्थान। तो ये जो जॉब रहने वाली है ये आप लोग का रेगुलर जॉब है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है, यानी कि परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है। और इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो जॉब मैंने बताया कि रेगुलर परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है। मैं यहाँ पे मेनली रूप से ITI पास विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा। तो ITI पास विद्यार्थियों के लिए पोस्ट का नेम जो निकाला गया है टेक्नीशियन ग्रेड ए, और यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से ब्रांच को दिया गया है, कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेशन हो गया, वेल्डर मैकेनिक या फिटर मैकेनिकल ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया है। मैं अभी आप लोग को बता दूंगा क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो ये जो आप लोग का इसमें पे स्केल रहेगा, लेवल टू का सैलरी पे स्केल है 19,963,200, यानी कि बेसिक पे आप लोग का 19,900 बनेगा। इसी पे सारा चीज का कैलकुलेशन होगा। आप लोग का 35+ यहाँ पे सैलरी मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल सभी ट्रेडों को मिलाकर के 5 पोस्ट है, जिनमें से अनरिजर्व में 3, OBC में 1 और EWS में 1, और 1 जो पोस्ट है ये यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे पर्सनल है, अनमार्क्ड है। ये आप लोग का हो गया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। बाद बाकी यहाँ पे कुछ अदर क्वालिफिकेशन पर भी रिक्रूटमेंट है तो आप सभी देख सकते हैं। तो पहला पोस्ट है वो आप लोग का टेक्नीशियन है इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेशन। यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट है और यहाँ पे पोस्ट कोड मेंशन है। और एज लिमिट की बात करो तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 25 साल रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th पास रहना चाहिए और ITI पास रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेशन ट्रेड में। यहाँ पे अप्रूव्ड बाय NCVT बोर्ड से या इक्विवेलेंट कोई भी रिकॉग्नाइज्ड संस्था है वहां से। और यहाँ पे आप लोग का बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो देख रहा है ये डिजायरेबल में लिखा है, यानी मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो बेटर है, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिजायरेबल लिखा है तो 2 सालों का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। डिजायरेबल मतलब होता है वांछनीय योग्यता, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का एक्सपीरियंस का डिटेल हो गया, ये जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। पे स्केल मैंने आप लोग को बताया, लेवल 2 का सैलरी है एज पर 7 CPC। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आप लोग का यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा, देन आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट पे ही मेरिट टेस्ट बनेगा, स्किल टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर है। नेक्स्ट ट्रेड है ये आप लोग का टेक्नीशियन ग्रेड है, वेल्डर का पोस्ट है। यहाँ पे पोस्ट कोड मेंशन है, नेम ऑफ द पोस्ट, आप लोग का पोस्ट का नाम हो गया वेल्डर। यहाँ पे 1 पोस्ट है, यहाँ पे भी अपर एज लिमिट 25 साल है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। यहाँ पे 10th पास रहना चाहिए और ITI पास रहना चाहिए आप लोग का वेल्डर ट्रेड में। कंप्यूटर का आप लोग का नॉलेज रहना चाहिए और यहां पे भी डिजायरेबल में 2 साल का यहां पे एक्सपीरियंस मांगा है, यानी एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी लेवल 2 का सैलरी मिलेगा और यहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट है और स्किल टेस्ट है। नेक्स्ट ट्रेड है वो है मैकेनिकल का। यहाँ पे मैकेनिकल में 1 पोस्ट है EWS कैटेगरी में और यहाँ पे अपर एज लिमिट 25 साल है। और यहाँ पे भी ITI मांगा गया है मैकेनिकल ट्रेड में। यहाँ पे देख सकते हैं NCVT बोर्ड या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए और 2 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है डिजायरेबल में। यहाँ पे लेवल 2 का सैलरी है और आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के माध्यम से होगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आप लोग का फिटर मैकेनिकल का। यहाँ पे 1 पोस्ट है OBC में, 25 साल अपर एज लिमिट है और क्वालिफिकेशन 10th और ITI पास रहना चाहिए फिटर मैकेनिकल ट्रेड में NCVT या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए और डिजायरेबल में आप लोग का 2 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस सभी में सेम है, अपर एज लिमिट भी सेम है। और देखिए यहां पर जो आप लोग का
ये जो होगा ट्रेड रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट। तो इसका पूरा डिटेल नहीं बताया गया है रिटन टेस्ट में कहाँ कहाँ से कितना नंबर क्वेश्चन पूछेगा, ये चीज़ बता दिया गया है कि रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का रिटन टेस्ट पर ही बनेगा, ये इतना चीज़ बताया गया है गाइस। और यहाँ पर देखिएगा जो आप लोग का एग्जाम होगा, बोथ आप लोग का एग्जाम जो होगा रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, ये आप लोग का कहाँ पर होगा NIOT चेन्नई, यानी कि जिस संस्था की ओर से ये रिक्वायरमेंट है वहीं पर आप लोग का होगा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों वही NIOT आप लोग का चेन्नई में होगा गाइस। यहां पे आप लोग देख सकते हैं सेम डे या कंसेक्यूटिव डे में आप लोग का हो सकता है, ये बाद में बताया जाएगा वेबसाइट पे। बाद बाकी गाइस इसका फॉर्म शुरू है ऑनलाइन, यहां पे इसमें एप्लीकेशन फीस का चर्चा नहीं किया गया है कितना फीस लग रहा है, हो सकता है ये फ्री ऑफ फॉर्म मतलब कि फॉर्म हो, यहाँ पे फीस का मेंशन नहीं है इस नोटिफिकेशन में। बाद बाकी इस फॉर्म का लास्ट डेट है 11/3/2024 तक इस फॉर्म को ऑनलाइन फीस भर सकते हैं। तो आप सभी ITEducation.com पे विजिट कर लीजिए वेबसाइट, वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।